हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना दो डिग्रियां एक साथ कर ली जाए, दो पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ कर लिए जाएं और अपने लाइफ के जो गोल हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिए जाएं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि दो डिग्रियां करने के बाद मुझे जल्दी से जॉब मिल जाएगी, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर विथ प्रूफ लेकर के आई हूँ कि आप दो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियाँ एक साथ कर सकते हैं या नहीं, दो ग्रेजुएशन डिग्रियाँ आप एक साथ कर सकते हैं या नहीं, अगर कर भी सकते हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आप एक साथ एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी बातों के आंसर्स जो है, इन सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ और विथ प्रूफ देने वाली हूँ। UGC के जो रेगुलेशंस है उन्हें दिखा करके आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, इनमें साथ में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, अपना पैसा और अपना समय बचाना। ऐसा ना हो कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन में आ करके आप या आपके दोस्त या आपकी सहेलियां कहीं ऐसी जगह ऐसे कोर्स में पैसा या समय बर्बाद कर दे जिसे आपको बाद में हाइड करना पड़े। हाइड करना पड़े से मेरा क्या मतलब है, हो सकता है कई बार आपको कई जगह पर आप अपनी दो डिग्रियां एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। जब नहीं दिखा सकते तो फिर ऐसे डिग्री का मतलब क्या रह जाएगा, मतलब कि आपका पैसा और आपका समय दोनों ही बर्बाद हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाऊंगी, उन्हें ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो चलिए चलते हैं हम अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो भी बात मैं करूंगी विथ प्रूफ करूंगी। थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो खबरें हैं कि दो डिग्रियां हम एक साथ कर सकते हैं, ये खबरें दोस्तों चलना शुरू हुई हैं मई 2020 से। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको, वेल रेपुटेटेड वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो ये बोलती हैं कि दो डिग्रियां जो है, टू डिग्रीज हम साइमल्टेनियसली मतलब साथ में कर सकते हैं, ऐसा UGC ने ड्राफ्ट बनाया है। अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आप साथ में दो डिग्रियों में एडमिशन ले लें। अब ये डिग्रियां होती क्या है आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। उसके लिए आप ये समझिए कि जितने भी कोर्सेज हम करते हैं उन्हें हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। जितने भी चीज़ें होती हैं हम जो पढ़ते हैं वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे कितने एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला है हमारा बैचलर डिग्री, दूसरा है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, थर्ड है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, फोर्थ है हमारा सिर्फ डिप्लोमा और फिफ्थ है हमारा सर्टिफिकेट। तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनको UGC रिकॉग्नाइज करती है, और अभी तक जैसा मैंने आपको बोला कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एट प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। आप UGC की साइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा जिसका क्लियरली हेडिंग क्या है, पॉलिसी ऑन परस्यूइंग टू और मोर प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये क्या पॉलिसी है, मैंने ये जो आपको बताया है 5 चीज़ें आपको ध्यान में रख करके इसे समझना है। ये पॉलिसी कब निकाली हुई है, ऐसा नहीं है कि इससे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके पहले एक साथ दो प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे, ये काफ़ी पहले से चली हुई आ रही हैं चीज़ें। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो कि आप जानते होंगे अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग के बारे में जानते हैं, तो 14th मीटिंग में अपनी जो कि 8th जून 2012 को हुई थी वहाँ पर ये अप्रूव किया था, और इसके बाद अभी तक का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना ही UGC की साइट पर है और ना ही जो है आपका DEC की साइट पर है। आप जा करके चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं DEC की साइट से ही निकाल करके लाई हूँ, UGC की साइट से ही निकाल करके लाई हूँ, दोनों पर ये प्रेजेंट है। विथ प्रूफ हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। अब क्या बोल रहे हैं वो इस मीटिंग में, उन्होंने क्या अलाउड किया है, टू डिग्री प्रोग्राम्स कैन नॉट बी अलाउड टू परस्यूड साइमल्टेनियसली। डिग्री प्रोग्राम्स अलाउड नहीं हैं
साथ में आप दो कोर्सेज में ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, साथ में आप दो कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? अगर आप सोच रहे हैं कि आप बीएससी मैथ्स भी कर लें और बीएससी बायोलॉजी भी कर लें साथ में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एमए एजुकेशन भी कर लूं और एमए हिंदी भी कर लूं साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? हाउ एवर अ स्टूडेंट कैन परस्यू टू प्रोग्राम साइमल्टेनियसली थ्रू डिस्टेंस मोड और कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड फ्रॉम दी सेम और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो अलाउड नहीं है कि आप साथ में दो ग्रेजुएशन या दो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पर हाँ आप ये कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को फॉलो कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी कैसे? एक आपका रेगुलर होगा, आप एक आपकी रेगुलर डिग्री होगी और एक आपका जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग से हो सकता है, ODL सिस्टम से हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। कैसे होगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है? बोला है या तो आप एक डिग्री कर लें, वन डिग्री और वन डिप्लोमा हो सकता है आपका डिग्री, एक डिग्री के साथ या तो आप डिप्लोमा कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लें या सर्टिफिकेट कर लें, ठीक है। या फिर आप एक PG डिप्लोमा कर लें, उसके साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर लें, ठीक। एक डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं, 2 PG डिप्लोमा कर सकते हैं, 2 diplomas कर सकते हैं और 2 certificates कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आने वाले थोड़े समय में आपको मैं ये भी बताती हूँ इसी वीडियो में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने से मना किया है UGC ने, कि आप ऑनलाइन इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए। तो ये आप समझ गए बात को, दो डिग्रियाँ, दो ग्रेजुएशन, दो पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू UGC और UGC का जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग। इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन साइट पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक। ये बात हो गई। तो आप ये कॉम्बिनेशन चूज़ कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें दो डिग्रियां एक साथ मत कीजिएगा दोस्तों, आपके पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। अब ऑनलाइन या ODL से आप पढ़ने ही जा रहे हैं तो क्या क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय स्टूडेंट्स बिफोर इनरोलिंग फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करने जा रहे हैं, और ये देखिए ये नोटिफिकेशन कब का है, अगस्त 2020 का है, किन ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग आप ऑनलाइन कर लेंगे? हाँ, क्या MBA आप ऑनलाइन कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस नोटिफिकेशन से मिलेगा। तो सीधे में बाकी चीज़ें तो आपके काम की नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये जितने भी PDF हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने से भी UGC की साइट पर जा सकते हैं। अब देखिए, कॉशन अगेंस्ट एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स। ODL सिस्टम के थ्रू ये सभी वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन लेना मना है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी दैट यहाँ पर नीचे थोड़ा सा, फिर मैं ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगी। अपार्ट फ्रॉम द अबव MPhil एंड PhD प्रोग्राम इन ऑल डिसिप्लिन्स थ्रू ODL एंड ऑनलाइन मोड आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। अलाउड नहीं है कि आप MPhil और PhD ऑनलाइन करें, पहली चीज़, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इन्हें आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ऑनलाइन नहीं होगी, मेडिकल नहीं होगा, लॉ नहीं कर सकते हैं आप, एंड डेंटल की जो पढ़ाई है वो नहीं कर सकते, फार्मेसी नहीं कर सकते, नर्सिंग नहीं कर सकते, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, क्लिनरी स्टडीज़, वैल्यूएशन ऑफ रियल इस्टेट और बाकी अदर प्रोग्राम्स जो हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो आप ऑनलाइन ODL सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ड्यू टू कोरोना COVID-19 के इफ़ेक्ट के कारण आपकी टेम्परेरी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हो, पर कम्प्लीटली वो आपका कोर्स ही अगर ODL की कैटेगरी में है तो वो अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोले कि आपने इंजीनियरिंग कैसे की है, आपने मेडिसिन या डेंटल या फार्मेसी की पढ़ाई कैसी की है, आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से की है, मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा कोर्स ही ODL के अंदर था, उसमें कॉलेज में जा कर के सिर्फ आपको असाइनमेंट जमा करने थे, बाकी आपको खुद से पढ़ना था, कुछ लेक्चर्स देखने थे, बस सिर्फ ये। तो ऐसे ये अलाउड, ये डिग्रियां इस तरीके से अलाउड नहीं है।
होप आप लोग इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे कि आप एमफिल पीएचडी ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, दो बैचलर डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं, दो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं ये आप फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन सभी पीडीएफ्स की। चलिए फिर, होप आप लोगों के काम आएगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।